फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। और हम आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक ना, एक्सरसाइज 1 जीएसटी चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि किरण क्या करती है, एक आर्टिकल को खरीद करके लाती है, ठीक है ना। उसका मार्क प्राइस उस आर्टिकल का कुछ होता है, उस पर उसको जब 10% का डिस्काउंट दिया जाता है तब जा करके वो खरीदती है 5,310 रुपये में उस आर्टिकल को खरीदती है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए उसका टोटल जो आर्टिकल खरीद के लेके आई है ना, उसका मार्क प्राइस क्या है, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं उसको, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो किरण क्या करती है, एक आर्टिकल को खरीदती है कितने रुपए में, 5,310 रुपए में। ये जो प्राइस है ये इंक्लूडेड है किस किस चीज़ का, ये इंक्लूडेड है, ठीक है ना, 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर 10% का जब डिस्काउंट देंगे तब जा कर के आएगा 5,310 रुपये। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, और जीएसटी कितना पे करना है इसको, जीएसटी इसको जो पे करना है वो है 18%। तो ध्यान रहे, ये जो अमाउंट है ये इंक्लूडेड 10% जो डिस्काउंट होता है वो है 10%, है ना, डिस्काउंट इसमें जुड़ा हुआ है मार्क प्राइस का, और साथ में इसमें 18% का जीएसटी जुड़ा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में ये क्या कहा गया है ना, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मान लेते हैं उसके लिए कि कुछ उसका मार्क प्राइस था, ठीक ना। लेट द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एक्स, आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या मान लेते हैं, एक्स रुपये मान लेते हैं। और आर्टिकल का अगर मार्क प्राइस एक्स रुपये है तो उसको डिस्काउंट कितना देता है शॉपकीपर, ठीक है ना, 10%। तो हम निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कितना रुपए उसे छूट मिलेगा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट हो जाएगा 10%, 10% किसका, x का। तो 10/100 इंटू एक्स, ये हो जाएगा x/10, इतने रुपए उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट अमाउंट क्या करते हैं, उस मार्क प्राइस में से माइनस कर लेते हैं, तो अमाउंट या कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर किरण इज इक्वल टू एक्स में से क्या करेंगे, एक्स बाई टेन माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 9x/10, ठीक है, इतना रुपए में खरीद के लाती है। अच्छा, ये तो सिर्फ उसका कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का, उसको 18% जीएसटी भी पे करना है। तो देखिए जीएसटी पेड बाई किरण वो कितना हो जाएगा, 18% ऑफ 9x/10, ठीक है ना इसका। अब ये जो अमाउंट निकल के आएगा 18%, जब जीएसटी निकाल करके क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे तब जा करके ये अमाउंट मिलेगा, ठीक है ना, 5,310 रुपये, ठीक है। तो चलिए जरा इसको सॉल्व कर लेते, कितना हो जाएगा, 18/100 इंटू 9x/10, ये निकल करके आ जाएगा 8, 9, 72 कैरी 7, 9 के 9 और 7 16, ठीक है ना, 8, 9, 72 कैरी 2, 7, 9 के 9, 9 7 16, इतना भाई 1,000, ठीक है। तो इतना रुपए उसे जीएसटी पे करना है, ठीक है, ये उसका टोटल कॉस्ट प्राइस था, ये जीएसटी है, तो टोटल अमाउंट जो उसे पे करना है वो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल अमाउंट पेड बाई कंज्यूमर यानी किरण, ठीक है ना, किरण वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 9x/10 प्लस 162x/100, ठीक है ना, 100 कितना निकल करके आएगा, 100, ये 1,000 हो जाएगा, ठीक है ना, 1,000 ये हो जाएगा 162x/1,000 रुपये, ठीक है, ये टोटल अमाउंट होगा जो किरण पे करेगी। और हमें पता है टोटल अमाउंट कितना है, 5,310 रुपये, इसका मतलब टोटल अमाउंट 5,310 रुपये है, तो इसके बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये, ये हो जाएगा 900x प्लस 162x, ये टोटल कितना हो जाएगा, 162/9, ठीक है ना, 1,000 इधर भेज के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53100, ठीक है ना, 1,000 है इतना, ठीक है, इज इक्वल टू 1062x, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5,31,000 / 1062x, सॉरी x तो इधर रहेगा ना,
ठीक है, ये कट जाएगा, ये कितनी बार में, दो बार में ये कट जाएगा, दो से ये कट जाएगा कितनी बार में, पांच बार में, कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। इसका मतलब कि जो किरण है उसने उस आर्टिकल को कितने रुपए में ख़रीदा है, 5000 रुपये में खरीद करके लाया है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। Close till I get up. Time is better.